अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से दो डिफरेंट कॉलम्स को कंपेयर कर सकते हैं। आपको मोस्टली डाटा एनालिटिक्स में जो होता है डाटा को कंपेयर करके रिजल्ट्स जो हैं वो ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो हम डाटा सेट को किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं? तो डाटा सेट को कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक कॉलम ए है जिसमें डिफरेंट कंपनीज के नेम लिखे हुए हैं, जिसमें फोर्ड इंडिया है, टेस्ला है, टाटा, फरारी, लैम्बरगिनी, पोर्श, सुजुकी, होंडाई, होंडा, और कॉलम बी में सुजुकी, टोयोटा, छांगवान, फरारी, लैम्बरगिनी, टाटा, फरारी। अब ये कॉलम ए और कॉलम बी में रैंडमली जो है डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनके नेम लिखे हुए हैं। अब इफ़ वी वांट टू कंपेयर दीज टू कॉलम्स, तो हमें इन दोनों कॉलम्स को कंपेयर किस तरीके से कर सकते हैं, इसके इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। उसके लिए सबसे पहले आप इस सारे के सारे फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लें और स्टाइल वाले बुलेटिन में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब आप जाएंगे तो हाईलाइट सेल रूल में जाएं और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ में चले जाएं। जब आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ में क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप पेज शो होगा। पॉपअप पेज जो है ये शो हो रहा है, ये क्या बताता है कि देयर आर डुप्लीकेट वैल्यूज़ फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन, डुप्लीकेट वैल्यू है तो वैल्यूज़ के लिए लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। लाइट रेड जो है वो सेल का कलर होगा और डार्क रेड जो है वो टेक्स्ट का कलर होगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं तो ये देखें ये इसका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन कर सकते हैं वो कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको ग्रीन कर दें, ओके करते हैं, तो ये वो तमाम के तमाम सेट की वैल्यूज जिनमें डब सेम वैल्यूज हैं, तो वो तमाम के तमाम सेल जिनमें कॉलम ए और कॉलम बी में जो हैं वो सेम वैल्यूज हैं, तो वो जो है वो सारी ग्रीन कलर में वो शो कर देगा, क्योंकि हमने डुप्लीकेट वैल्यू के साथ जो है वो ग्रीन कलर वाला इंडिकेटर जो है वो असाइन किया हुआ है। अगर हम इसी तरीके से फिर अब स्टाइल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल में जाते हैं और वहां पे जाके डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करते हैं, और इधर डुप्लीकेट वाले सेल पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे यूनिक वैल्यू का भी है। तो यूनिक वैल्यू के लिए अगर मैं कह देता हूँ कि लाइट रेड फिल विद डार्क रेड कह दें, तो इसका मतलब इसको मैं अगर ओके करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है इस तरीके से। अब इससे जो डाटा सेट है इसमें हमने ये बता दिया कि अगर तो सेम वैल्यूज होंगी सेल की तो वो उन सेल्स को ग्रीन लाइट के साथ या ग्रीन कलर के साथ हाईलाइट करेगा, और अगर डिफरेंट वैल्यूज होंगी तो उनको वो रेड कलर के साथ हाईलाइट करेगा। इसका सेकंड मेथड क्या है? सिंपल मेथड है, आप लिखेंगे इक्वल टू दिस वन इक्वल टू सेकंड सेल, एंटर। अगर तो हमारे पास दोनों सेम होंगी तो वो ट्रू में आ जाएगा, और अगर दोनों डिफरेंट वैल्यूज होंगी तो फॉल्स में आएगा। अब इसी को अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ सेम फार्मूला के साथ, तो जहां जहां वैल्यूज सेम है वहां वहां ट्रू आ जाएगा। लेट्स सपोज आप यहाँ पे देखें, ये दो वैल्यूज जो हैं फरारी फरारी, लैम्बरगिनी लैम्बरगिनी, जहां पे दो वैल्यूज सेम होंगी वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, और जहां पे दोनों वैल्यूज डिफरेंट होंगी वहां पे फॉल्स आ जाएगा। अब इसमें एक और फार्मूला लगाते हैं, इफ फार्मूला या इफ फंक्शन जिसको बोलते हैं, इफ दिस वन इक्वल टू दिस सेल। अब देखिए इफ लॉजिकल टेस्ट है, वैल्यू इफ ट्रू, अब यहां पे वैल्यू लगानी है अगर ट्रू है तो हम यहां पे लिख देंगे वन कॉमा, और अगर वैल्यू फॉल्स है तो लिख देंगे ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अब यहां पे अगर आप देखें, मैंने यहां पे इफ फार्मूला लगाया था, अब इसको ड्रैग डाउन करते हैं, अब देखें तो इसमें जो रिजल्ट आया हमने लिखा था कि अगर तो वैल्यूज सेम है उसके लिए ट्रू फंक्शन रखे और ट्रू के लिए हमें वन वैल्यू दे दे, और अगर फॉल्स है तो उसके लिए हमें जीरो वैल्यू दे दे। तो जहां जहां पे सेम वैल्यूज थी वहां पे वन आ गया है, और जहां पे डिफरेंट वैल्यूज थी आप देख सकते हैं कि वहां पे जीरो आ गया है। ये था सेकेंड मेथड। हम वी लुकअप फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है वो कंपेयर कर सकते हैं दो कॉलम्स को। तो क्या है फार्मूला उसका? इक्वल्स टू वी लुकअप टैप, जब इस पे टैप प्रेस करेंगे हमारे पास आ जाएगी पहले लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू कौन सी है? हम इस कॉलम ए की जो वैल्यूज हैं उसमें हम देखना चाह रहे हैं, तो इस पे हमने क्लिक किया है। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे पास टेबल अरे कॉमा, ये टेबल अरे है, इसको लॉग करने के लिए मैं F4 प्रेस कर दूंगा कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स है, कॉलम इंडेक्स 1 आएगा, और कॉमा एग्जैक्ट मैचेस देखने हैं तो फॉल्स है तो फॉल्स के लिए कौन सी वैल्यूज लिखते हैं।
अच्छा इसमें दो वैल्यूज हमारे पास शो हो रही हैं, एक ट्रू वैल्यू है जिसके लिए अप्रोक्सीमेट मैच आएगा और एक फॉल्स वैल्यू है जिसके लिए एग्जैक्ट मैच आएगा। हम अप्रोक्सीमेट मैच नहीं देखना चाह रहे, हम एग्जैक्ट मैच देखना चाह रहे हैं। तो एग्जैक्ट मैच जो है उसके लिए हम जीरो प्रेस करेंगे, और अगर तो हमने ट्रू देखनी है वैल्यू, मतलब अप्रोक्सीमेट मैच देखना है, एग्जैक्ट मैच नहीं देखना, उसके लिए हम वन टाइप करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैं जीरो प्रेस करूंगा और क्लोज दैट ब्रैकेट, प्रेस एंटर, तो मेरे पास ये रिजल्ट शो कर देता है ये वाले कि हमारे पास सुजुकी जो है ये कॉलम में मौजूद है, टोयोटा मौजूद नहीं है, छांगवान मौजूद नहीं है इस कॉलम में, फरारी इसमें मौजूद है, लैम्बर्गिनी भी मौजूद है, टाटा भी मौजूद है और फरारी अगेन मौजूद है, और बाकी ये दोनों कॉलम्स जो थे वो खाली थे इसलिए उनका नॉट एप्लीकेबल आ गया रिजल्ट। और ये जो दो वैल्यूज थी टोयोटा एंड छांगवान वो कॉलम ए में मौजूद नहीं थी इसलिए यहाँ पे नहीं उनका रिजल्ट शो हुआ। इसके अलावा अब हम एक और चीज कर सकते हैं कि अगर मैं यहां पे इफ कंडीशन लगा दूं, इफ एरर, अगर एरर आ जाता है तो क्या होना चाहिए हमारे पास, अब देखें इसका मतलब ये इफ एरर का कि अगर तो वी लुकअप का फार्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा तो इफ एरर का फार्मूला लगाना है कि ये वाली वैल्यू और उसके बाद वैल्यू इफ एरर कॉमा वैल्यू क्या लिखना चाहते हैं अगर ना मिले, तो हम यहां पे लिख देते हैं कि वो वहां पे वैल्यू है नॉट फाउंड की, नॉट फाउंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो हमारे पास अब मैं इसको अगर मैं ड्रैग डाउन करता हूं तो हम इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि ये वैल्यू सुजुकी की है जिनकी वैल्यूज नहीं थी उस कॉलम ए में, उस पे क्या आ गया, नॉट फाउंड आ गया। ठीक है, हम इसकी और कंडीशन भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास वो वैल्यू नहीं आती तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फॉल्स, एंटर प्रेस करता हूँ और इसको ड्रैग डाउन करता हूँ इस फार्मूला को, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो के वैल्यूज नहीं थी उनके अकॉर्डिंग हमारे पास फॉल्स आ गया है।